जहां एक ओर चुनावी दौर के चलते सियासत गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर टिकट पा चुके विधायकों के रिपोर्ट कार्ड्स भी सामने आने लगे हैं। इनकी बातें, इनके दावे, इनकी घोषणाएं और जनता के प्रति इनका आचरण लोगों के समक्ष रखने की मीडिया जोर शोर से कोशिश में लगी हुई है। ऐसे में हम भी कुछ विधायकों के पुराने कारनामों को लेकर आपके सामने आए हैं। कुछ घाव आज हम भी कुरे देंगे। इस कड़ी में पहला नाम जो हमारे जहन में आया वो है अमूमन कंट्रोवर्सी में रहने वाले मसूरी के नामी गिरामी भाजपा विधायक गणेश जोशी जी और कांग्रेस से धनौल्टी का टिकट पा चुके मनमोहन सिंह मल जी। ये वाकया लगभग 2 साल पहले का है, जब 26 जनवरी के दिन झंडा फहराने को लेकर माननीय विधायक जी और पालिका अध्यक्ष के बीच घमासान हो गया। एक ओर जोशी जी जिद पकड़ कर बैठ गए तो दूसरी ओर अध्यक्ष जी भी कहां मानने वाले थे। वो तो भला हो आसपास की मौजूद मसूरी की जनता का, जिन्होंने महासंग्राम होने से बचा लिया, नहीं तो उनका गुस्सा देखकर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि बात कितनी आगे बढ़ सकती थी। अरे खींच दो यार, कोई भी खींच दो, अरे कोई खींच, पूर्व परंपरा के अनुरूप में यहाँ पर आया था, इससे पहले भी आया था। आज कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ बन गए हैं तो परंपराओं का हनन करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। नेताओं के बीच में धक्का मुक्की ना आपके बीच में हुई है। नहीं 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 बिल्कुल, देखिए अन्याय करना और अन्याय सहना दोनों जुल्म है। कोई बात गलत होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मैं कोई कमजोर विधायक नहीं हूँ। और कोई ये सोचे कि आज हमारी सरकार है और हम गुंडागर्दी कर लेंगे तो गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानते कहने के मैसेज खराब गया, बिल्कुल संदेश खराब गया, और उसके लिए जो दोषी हैं और जनता उनको आने वाले समय में उसका जवाब भी दे देगी। क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए? जो परंपरा है, परंपरा के अनुरूप जो परंपरा यहाँ पर है, जो सिंह यहाँ पर विधायक रहे 10 साल, उन्हें ध्वजारोहण क्षेत्रीय विधायक रहे, उन्होंने 10 साल ध्वजारोहण किया, चेयरमैन हमारे थे, कभी उसमें आपत्ति नहीं हुई। उसके बाद मैं विधायक बना, मैं दूसरी तीसरी बार ध्वजारोहण करने यहाँ पर आ रहा हूँ, चौथी बार। लेकिन आज नई परंपरा शुरू करने का जो प्रयास किया गया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ तक तिरंगा फैलाने का सवाल है, ये राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व को सब लोगों का अधिकार है कि इसको जो है जितने भी इस भारतवासी नागरिक हैं इसको बड़े धूमधाम के साथ मनाने का अधिकार है। जहाँ तक आज झंडा रोड का सवाल है, ये बड़ी परंपरा का जो बात आज प्रश्न चिन्ह उठा, ये बहुत गलत बात आज कही गई है। इस तरह का मैसेज नहीं जाना चाहिए था। वो हमारे सम्मानित विधायक हैं, लेकिन जिसने गलती की उस पर बात करेंगे। ये गाज जिस पे गिरेगी इसी गाज को मैं गिराने में कहीं पीछे कसर नहीं छोड़ूंगा। और जहाँ तक कोई इस तरह की गुंडाई करने की सवाल है, हम कहीं पीछे नहीं है और न हम किसी गुंडों से डरते हैं और न हम गुंडे, हम तो समाज के, इस शहर के सेवक आदमी, शहर की सेवा करने के लिए जनता ने मुझे उसमें बिठाया है। और इस राष्ट्रीय पर्व का जितना भी जो भी आज का कार्यक्रम का जो तय हुआ ये नगर पालिका के माध्यम से हुआ और नगर पालिका इस सारे पर्वों को, जितने भी राष्ट्रीय पर्व है उसको नगर पालिका मनाती है। नगर पालिका की तरफ से जो भी खर्च होता है उसी के माध्यम से सारा ये पर्व मनाए जाते हैं, चाहे 2 अक्टूबर हो, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो। देखिए विवाद करने वालों को जिनको आदत है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात है, जिन लोगों को इतनी बड़ी विधानसभा है, पर पूरी विधानसभा में जब कोई पूछता नहीं है, मसूरी आ जाते हैं मसूरी में झंडा फहराने के लिए, दूसरे का हक मारने के लिए। हम भी प्रथम नागरिक इस शहर के, जब कार्यक्रम मेरा है, जबरदस्ती इस तरह की कोई बात होगी तो आइंदा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।